उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापार में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और मौके से भारी मात्रा में अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाली के खालापार में छापेमारी की गई है। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके से भारी मात्रा में बने अधबने और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आज शहर कोतवाली पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि खालापार क्षेत्र में कुछ लोग अवैध तमंचों का निर्माण करते हैं और वहाँ से सप्लाई करते हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम ने छापा मारा। उस छापे में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अभी भी कार्रवाई चल रही है। भारी संख्या में बने हुए अर्धबने तमंचे, उसके बनाने के उपकरण, उसका सारा सामान, वेल्डिंग मशीन, कटर, ये सारी चीज़ें भारी मात्रा में अभी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है प्राप्त हुई है। अभी काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये अभी और जांच चल रही है कि जो जो लोग इसमें सही लोग भूमिका में होंगे उन्हें रखा जाएगा, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए अभी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट।